बेबो यानी कि करीना कपूर खान इन दिनों अपने सेकंड प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं। करीना कपूर की प्रेगनेंसी के दौरान की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही हैं। इन तस्वीरों में करीना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इन दिनों करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान के साथ हिमाचल प्रदेश की वादियों में जमकर एंजॉय कर रही हैं। यहां पर सैफीना के साथ साथ उनके नन्हे तैमूर अली खान भी जमकर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों सैफ अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म भूत पुलिस को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सैफ अली खान भूत पुलिस की शूटिंग में व्यस्त हैं। और इस बीच करीना और तैमूर यहां पर छुट्टियां बिताते हुए भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच करीना और सैफ की जिंदगी से जुड़े हुए पुराने किस्से और पुराने इंटरव्यूज भी सामने आ रहे हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसा ही एक बेहद पुराना इंटरव्यू सामने आया है गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस और सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर का। इस इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने खुलासा किया है कि वह सैफ अली खान को ज्यादा समय नहीं दे पाई थी उनके बचपन में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शर्मिला के मुताबिक ये सामने आया है कि जितना वक्त उन्होंने अपनी बेटियों सोहा अली खान और सबा अली खान को बचपन में दिया उतना वो सैफ को नहीं दे पाई थी। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि शर्मिला टैगोर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब सैफ को बड़ा करने का समय आया तो वह उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाई थी। उनके मुताबिक सैफ जब बड़े हो रहे थे और जब उन्हें अपनी मां की जरूरत थी उस दौरान वे पूरी तरीके से अपने बेटे के साथ नहीं थी। उस वक्त वे अपने काम में बहुत ही बिजी रहा करती थी और उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा दबाव था। तब वे दो शिफ्ट में काम करती थी और उनके पास सैफ को देने के लिए समय ही नहीं बचता था। इतना ही नहीं, शर्मिला टैगोर ने आगे ये भी बताया कि उस मुश्किल वक्त में उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया था। उन्होंने उन्हें समझा और हर कदम पर उनका साथ निभाया था। उनकी पड़ोसी सुनीता गोस्वामी ने भी तब उनकी काफी मदद की थी। उस दौरान वह सैफ के स्कूल सैफी महल में पढ़ाया करती थी। यह स्कूल वाकई में बहुत लाजवाब था जिसे उस वक्त मिसेज नूरानी चलाया करती थी। इतना ही नहीं, मिसेज नूरानी को शर्मिला ने सैफ की दूसरी माँ तक कह दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मिसेज नूरानी ने बिल्कुल सैफ को उनकी दूसरी माँ की तरह प्यार दिया। इतना ही नहीं, उनके पति जतिन ने सैफ को बहुत ही प्यार दिया और सैफ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा। सैफ अली खान जब अपना करियर बना लिए थे और वे अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छूने लगे थे तो उनकी सफलता के जश्न में मैं हमेशा उनके साथ थी। और इस तरीके से शर्मिला टैगोर ने सैफ अली खान की परवरिश को लेकर ये बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से वह सैफ अली खान की परवरिश नहीं कर पाए। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो सैफ अली खान अपनी मां शर्मिला के बेहद करीब हैं और अक्सर इन सभी के बीच बेहद प्यारा सा बॉन्ड भी देखने को मिलता है। शर्मिला टैगोर जितना प्यार सैफ अली खान को करती हैं उतना ही अपनी बहू करीना कपूर खान से भी। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।